अत्यधिक बारिश एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जनपद की सभी नदियां उफान पर हैं। राप्ती, रोहिन, घाघरा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने के कारण आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर बंधों तथा बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन जनपद के नाव के अलावा प्रयागराज एवं अयोध्या से अतिरिक्त नाव मंगाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। आपको बता दें कि राप्ती नदी के आसपास के क्षेत्रों बहरामपुर, गुरु गोरखनाथ घाट, श्रीराम घाट, नौशर पुलिस चौकी के पीछे बंधे पर जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जिला प्रशासन तटबंधों से हो रहे रिसाव का तत्काल मरम्मत कराकर बाढ़ पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। जनपद में तीनों नदियों से प्रभावित गाँव में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है तथा लोगों को राशन किट भी दिया जा रहा है। फिलहाल गुरुवार को नदियों का जलस्तर सामान्य बना रहा, कहीं से भी किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की चारा की व्यवस्था की गई है तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जरूरी दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमारे तो एकदम पानी भर सर। बाढ़ और बंधों की क्या स्थिति है जनपद में? राप्ती और सरयू दोनों ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन दोनों अब स्टेबल हैं। बंधों पे दबाव तो है, जगह जगह से कोई ना कोई सूचना मिल रही, लेकिन हमारा जो फ्लड डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सभी युद्ध स्तर पर लगे हैं। कहीं कभी कोई सूचना है तो तत्काल उसको रिपेयर किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। आज सुबह एक हमारा रिंग डैम था भरवलिया बसावनपुर, तो वो रिंग डैम एक पेड़ उखड़ जाने की वजह से वो डैमेज हो गया और इन दोनों गांवों में पानी घुस गया है। अभी सुबह हम वहां गए भी थे, एनडीआरएफ की भी टीम वहां पर चार बोट के साथ है, तो वहां के लिए ड्राई राशन किट, कम्युनिटी किचन, मिट्टी के तेल की व्यवस्था, तारपोलिन, जेरिकेन और दवाओं इत्यादि के लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं से पूरे जनपद से कहीं पर से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, स्थिति नियंत्रण में। सर बाढ़ कैंप में जिन लोगों को रखा गया है जी, उनके लिए क्या खाने पीने की व्यवस्था? हमारे बाढ़ सरणालय यहाँ जनपद स्तर पर भी बने हैं और प्रत्येक तहसील में बने हैं। उनके लिए सुबह नाश्ता, दोपहर खाना और शाम के खाने की व्यवस्था है। साथ ही किसी भी प्रकार की और उनको कोई समस्या है, कोई इलाज की समस्या है, उसकी भी व्यवस्था की गई है।